अंतरिक्ष में इतने सारे एस्टेरॉइड हैं, तो फिर स्पेस क्राफ्ट इनसे टकराते क्यों नहीं? और क्यों वॉयेजर 1 सोलर सिस्टम को पार नहीं कर पाया? वहीं पृथ्वी पर गिरने वाले एस्टेरॉइड जाते कहाँ हैं? तो मार्स और जुपिटर के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में लाखों करोड़ों एस्टेरॉइड घूम रहे हैं, पर एक स्पेस क्राफ्ट को इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्पेस इतना वास्ट और इम्पटी है कि प्लैनेट और सन जैसे बड़े ऑब्जेक्ट भी इसके सामने कुछ नहीं है। स्पेस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल और डस्ट से भरा पड़ा है, पर इनसे स्पेस क्राफ्ट को कुछ नहीं होता। और अगर बात करें बड़े ऑब्जेक्ट की जिनसे स्पेस क्राफ्ट को क्षति पहुंच सकती है, तो ये बहुत रेयर होता है। वहीं हॉलीवुड मूवी में इसके विपरीत दिखाया जाता है ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। इंसानों का पहला इंटरस्टेलर स्पेस मिशन वॉयेजर 1 सन 1977 को लॉन्च हुआ और 35 साल बाद 2012 में पहला ह्यूमन ऑब्जेक्ट बनकर हेलियोपॉज को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में जा पहुंचा। हेलियोपॉज एक बाउंड्री है जिसके बाद सन के पार्टिकल्स और मैग्नेटिक फील्ड आगे नहीं जा सकते। नासा के अनुसार अगर सोलर सिस्टम के बाउंड्री को सन और उसके चारों ओर के ऑब्जेक्ट को माने, तो वॉयेजर 1 को हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दूर का किनारा ऑर्ट क्लाउड को पार करने में 14 से 28 हजार साल का समय लग जाएगा। इस तरह देखा जाए तो कोई भी मानव निर्मित वस्तु अभी तक सोलर सिस्टम को पार नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लें कि एस्टेरॉइड 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है सी टाइप का एस्टेरॉइड। ये एस्टेरॉइड ज्यादातर कार्बन मटेरियल के बने होते हैं, जो कि बिल्कुल किसी जले हुए आलू की तरह दिखाई देते हैं, और इसी की वजह से इन्हें सी टाइप का एस्टेरॉइड कहा जाता है। ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में इंटर करते ही गर्म होकर जलना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ये धरती से टकराते हैं तो तुरंत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इस तरह हमारे सोलर सिस्टम में लगभग 75% सी टाइप के एस्टेरॉइड देखने को मिलते हैं। अब आते हैं एम टाइप के एस्टेरॉइड पर, जो कि बहुत ही स्ट्रांग होते हैं क्योंकि इनमें आयरन और निकल बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये एस्टेरॉइड पृथ्वी से टक्कर के बाद हजारों साल तक ऐसे ही बने रहते हैं, जैसे कि हॉबा और विलामेट एस्टेरॉइड, जिनकी कई हजार साल पहले पृथ्वी से टक्कर हुई थी। और अंत में है एस टाइप का एस्टेरॉइड, जिनमें आयरन और निकल के साथ साथ सिलिकेट भी मौजूद होता है, और ये हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 17% ही पाए जाते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।